यहां पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से बहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो, ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात् करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाम साधुना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना, और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया, उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा, आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है, भगवान परशुराम सभी के लिए है। और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए।